गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे अपने। सो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये एक कोई रिव्यू नहीं है किसी भी कार या बाइक के रिलेटेड। एक्चुअली आज का दिन ना मतलब एक हीरो ने एक काफ़ी अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है जो कि आपका जेपी सेतु जो पुल है पटना में उसे क्रॉस करने के बाद है। एग्जैक्टली मतलब मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्टली वो चीज़ है कहाँ, तो पहले हालांकि हम चलेंगे और बाकी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे आए हुए हैं, तो पहले हम चलते हैं वहाँ पे और फिर मैं वहाँ से एक भैया को कॉल कर लूँगा ताकि मुझे पता चल पाएगा कि कहाँ पे मतलब है एग्जैक्टली। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने कभी पहले इस टाइप का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है और लिटरली मुझे नहीं पता है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं वो हो रही है मुझे। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि लेट हो गया। पहले हम लोग का प्लानिंग ये था कि हम लोग यहाँ पे पटना जू के पास मिलेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे सब कोई साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे भी। मतलब वहाँ पे 9 बजे तक पहुँचना है एंड 8:40 हो चुकी है, तो पहले जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पे एंड उसके बाद फिर हम आगे का कवर करेंगे सारे इवेंट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए चलते हैं जल्दी। ओके तो हम लोग पुल क्रॉस कर चुके हैं और मेरी बात हुई अर्श भैया से, आप लोगों को पता होगा वो कौन है, आप लोग मिलोगे तो जान जाओगे, ऐसे बहुत बहुत अच्छे इंसान है, मतलब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। तो उनसे भी मेरी बात हुई, वो लोग बोले कि हम लोग भी जस्ट पहुँच ही रहे हैं, तो हम लोग का अब यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर हम लोग मिलेंगे एंड देन फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करी जाएगी। तो वो लोग को आने में लगेगा अभी 5 मिनट्स, तब तक चलिए वेट करते हैं उनका, आने देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं किधर जाना है। आई गेस मुझे उधर जाना है और वहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है, तो आई होप हमें उससे कुछ आइडिया मिलेगा, हालांकि उन लोगों को तो आइडिया है, मुझे आइडिया मिलेगा एक्चुअली। एंड तब तक आप इधर का ये व्यू चेकआउट करिए, क्या सही लग रहा है। ओके तो यहाँ पर सारे राइडर आ चुके हैं और माइस्ट्रो माइस्ट्रो और आरएम ब्लॉगर का एवेंजर और निकलते हैं और ठीक है ना, पहली फुर्सत में निकलते हैं। हाँ तो चलिए चला जाए।
ओके तो यहाँ पे सबकी लाइनअप हो चुकी है, आप देख सकते हो सारी बाइक्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे आपको हीरो की बोर्डिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। और ये रही हमारी स्कूटी, सारे बाइक्स यहाँ पे आए, बहुत सारे राइडर्स लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं हम लोग जल्दी अंदर से और बाकी सब हम एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control. When we feel like the world is against us, we're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to. तो बेसिकली आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लाइनअप सब किए हुए हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम आपको देखने को है और ट्रैक भी यहाँ पे इन्होंने रेडी कर रखा है ताकि, और वहाँ आप देख सकते हो वहाँ पे ड्रोन उड़ रही है अपनी, और यहाँ पे आपको सारी बोर्डिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। चलिए अब इवेंट बहुत थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है तो वेट करते हैं। और आई रियली टेल यू गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे गाड़ी मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारे लोग यहाँ पे हैं और ट्रैक भी काफ़ी अच्छे से सेटअप हुई हुई थी। ओह रियली नाइस। सो अब ये इवेंट का जो है अब एंड हो रहा है और हम लोग ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मस्ती किया, बाइक चलाया, काफ़ी मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे और बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी इवेंट्स होनी चाहिए।
सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। सो यही वीडियो था गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को भी दबाएं, और बाकी तो आप लोगों को रिव्यू गाड़ी और बाइक के ऊपर मिलते ही रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, ओके बाय।